हेलो दोस्तों, ज्ञान हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम अपनी अगली क्लास के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं वचन क्या होता है। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का ज्ञान हो उसे हम वचन कहते हैं। एक या अनेक होने का ज्ञान करें उसे हम वचन कहते हैं। वचन के प्रकार, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। देखते हैं क्या होता है एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन। लड़का, नदी, पुस्तक आदि ये सारे क्या है? एक वचन है। बहुवचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियाँ, पुस्तकें, नदियाँ आदि ये सारे क्या है? बहुवचन है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त कहते हैं, जैसे दर्शन, आशु, होश, बाल आदि हमेशा बहुवचन में प्रयोग। इनको कभी भी आप देखें तो हमेशा बहुवचन ही लिखेगा। कोई क्वेश्चन आ गया, आंसू क्या है, एक वचन या बहुवचन, तो आपको हमेशा बहुवचन लिखना है। वचन की पहचान कैसे करते हैं? देखते हैं वचन की पहचान करते हैं। और कभी भी कोई क्वेश्चन आए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, गलत नहीं करना चाहिए, ठीक है? देखते हैं वचन की पहचान संज्ञा सर्वनाम या विशेषण पद से ही हो सकती है। कैसे होगी? लड़का खाना खा रहा है, एक वचन। लड़का क्या है? संज्ञा है, ठीक है? ये एक वचन में प्रयुक्त होगा। संज्ञा ही अगर लड़के हैं तो क्या होगा? लड़के खाना खा रहे हैं, बहुवचन हो गया। सर्वनाम में अगर हो तो तू खेल रहा है, एक वचन में। तुम खेल रहे हो, बहुवचन में। तो हमने क्या कहा, संज्ञा और सर्वनाम से भी हम पहचान लगा सकते हैं एक वचन और बहुवचन के विशेषण। मेरी सखी सुंदर है, सखी क्या है यहाँ पे? एक वचन। और मेरी सखियाँ सुंदर हैं क्या है? बहुवचन। चलिए देखते हैं। यदि वचन की पहचान संज्ञा सर्वनाम विशेषण पद से ना हो तो क्रिया से की जा सकती है। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा पॉइंट है कि अगर हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण से ना कर सके तो हम किससे कर सकते हैं? क्रिया से। क्रिया क्या है? ऊँट बैठा है, एक वचन। ऊँट बैठे हैं, बहुवचन। आज जाएगा, एक वचन। आज जाएंगे, बहुवचन। अब भाववाचक संज्ञा एवं धातु का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयुक्त होती है। अब देखिए, धातु, आजकल सोना सस्ता है तो यहाँ पे हमेशा एक वचन में होगा, ठीक है? सोना। प्रभा की बोली में बहुत मिठास है, मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा। मिठास है, मिठासे नहीं होगा, मिठासी होगा हमेशा। आदर प्रकट करने वाले करने हेतु एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब देखें, महात्मा गांधी महापुरुष थे, बहुवचन में ही प्रयोग होगा हमेशा। जहाँ आदर प्रकट किया जाए वहाँ बहुवचन होगा। मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हमेशा बहुवचन में होगा। अच्छा है नहीं होगा, अच्छे हैं। जहाँ भी हम आदर का प्रकट करेंगे वहाँ क्या कहा जाता है? बहुवचन होता है। कुछ शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता, दूध, वर्षा, पानी इत्यादि, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होंगे, ठीक है? जिन एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ जन, गण, वृंद, लोक इत्यादि शब्द जुड़े होते हैं तो उन शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे देखते हैं क्या, आज मजदूर लोग काम पर नहीं आए, लोग। लोग हमेशा क्या होगा? बहुवचन में प्रयोग होगा। अध्यापक गण वहाँ बैठे, गण लगा है लास्ट में, तो ये भी हमेशा किस में प्रयोग होंगे? बहुवचन में प्रयोग है। समझ में आया आप लोगों को? अगला देखते हैं, बहुवचन बनाने संबंधी नियम। अब कैसे बनाते हैं बहुवचन ये भी देख लेते हैं। अभी तक तो हमने देखा कि पहचान कैसे करते हैं, अब देखते हैं बहुवचन बनाते कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे बच्चा का क्या हो गया? बच्चे। बेटा क्या क्या हो गया? बेटे। अगला देखते हैं, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आ के स्थान पे क्या हो जाता है? ए हो जाता है। जैसे रात का रातें, बहन का बहने, ठीक है? ई या ई स्त्रीलिंग के अंत में ई या ई के स्थान पर ईया कर देते हैं। जैसे कि थाली, तो क्या हो गया? ईया, थालियाँ। नदी, तो नदियाँ, ठीक है? आ, ऊ और ऊ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में हम क्या लगा देते हैं? आ का ए हो जाता है। जैसे वस्तु का वस्तुएं, ए हो जाता है, ठीक है? माता का माताएं, ए हो जाता है। कुछ अकारांत शब्दों के अंत में अनुस्वार लगाने से, जैसे डिबिया का डिबिया, चिड़िया का चिड़िया, तो ये सारे क्या हो गए? अकारांत शब्द हैं, ठीक है? कुछ शब्दों के रूप एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। जैसे घर का घर ही होगा, घर का एक वचन है तो बहुवचन भी घर ही होगा। छाया एक वचन है तो छाया बहुवचन में भी प्रयोग होगा। मुनि
एकवचन बहुवचन दोनों में समान रहेगा, पानी पानी, जल जल, क्रोध क्रोध। तो आपको आज समझ आया हम एकवचन और बहुवचन की पहचान कैसे करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कारक, वो हम अपनी अगली क्लास में